जहाँ जाए उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर हम सबको अपनी जुबान में रखे, आज जैसे कि ईद बहुत करीब करीब आ रही है तो मैं बनाई थी मटन कुन्ना अपने स्टाइल से, लेकिन ये चुनौती मटन कुन्ना है तो मैंने कह दू ना मैं टी यू जी फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। लेकिन अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक अच्छी सी बात शेयर करूँगी और जो फैसला मेरा रब करता है यकीन जाना वो अर्श से फर्श तक बेहतरीन फैसला होता है। मुझे भी दुआ में याद रखिए और हम बाहर टाइम जाए कि स्टार्ट करते हैं चुनौती मटन कुन्ना की रेसिपी के लिए, जिसके लिए मेरे पास मसालों में सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सफ़ेद जीरा, दही, टमाटर, अनियन 3 मेरे पास चॉप हुए में, तकरीबन 2 मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये मेरे पास फ्राइड अनियन है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन मेरे पास यहाँ 1.5 kg ये देखिए मटन का गोश्त है। इसमें मैंने इस तरीके से कटिंग करवाई कि इसमें हड्डियाँ भी आएँ, क्योंकि जो हड्डियाँ जो कुन्ना है ये हड्डियों से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो जब भी आप इसको गोश्त लेंगे इंशाल्लाह आप तो कुर्बानी होगी, जब कसाई आएंगे तो स्पेशल आप उनसे करवाएंगे, जब करवाएंगी तो हड्डियाँ ज़रूर यूज़ करें इस रेसिपी के लिए। ठीक है, अब हम भरते हैं अपनी रेसिपी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं अपना गोश्त डालूँगी सबसे पहले। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत मज़े का एक डिफरेंट आपको इंशाल्लाह फ्लेवर मिलेगा। मैंने अपना जो बर्तन है वो चेंज किया है, ये छोटा लग रहा था मैंने इसको बड़े बर्तन में डाला है। आप भी कोशिश करें जब इसको बनाएं थोड़े खुले बर्तन में बनाएं, इसे ये अच्छे से पकेगा भी। मैंने अभी ऑयल जब गर्म हुआ था तो उससे अपना गोश्त डाल दिया, अभी हम बस वेट करेंगे जैसे इसका कलर हल्का सा चेंज होगा हम इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद गोश्त को ऑयल में थोड़ा मैंने इसको भर के 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, इसको मिक्स करेंगे। देखिए हमारे ऑयल में मैंने सिर्फ ऑयल था और उसमें मैंने गोश्त डाला और देखिए हमारा गोश्त 2-3 मिनट भून गया, उसके बाद मैंने इसको 3 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है जिसकी बहुत ही खुशबू आ रही है। अब जनाब इसके अंदर मैं अपने अनियन ऐड कर दूँगी, ठीक है, और हम इसके सारे मसाले डालने शुरू करेंगे। तो हम सफ़ेद जीरा डालेंगे तकरीबन 2 टी स्पून, नमक आप अपनी मर्जी डाल सकते हैं, फ्रेश मिर्च 1.5 टी स्पून, इसके अलावा सूखा धनिया 2 टी स्पून, हल्दी की जाएगी 1 टी स्पून। ये सब मसाले हमारे घर के मसाले हैं, मैंने कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं किया, इतनी सी बात है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें खूब सारा पानी डाल के इसको पकने रख देंगे 30 से 25 मिनट के लिए, जब तक हमारा गोश्त गल जाए। मैंने इसके साथ ही इसमें 3 से 4 इलायचियाँ और 7 दाने मैंने लौंग के डाले, उससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। अब इसको इसको हम पकने देंगे। देखें ये 10 मिनट के बाद तकरीबन अभी ऐसा कुक हुआ है, अभी इसमें थोड़ा सा है कसर, कोश अभी हमारा गला नहीं है, तो इसको हमने गलाने तक इसको हमें पकाना है। साथ ही मेरी एक कढ़ाई भी रेडी हो रही है जो कि मैं आपको अभी सिखा चुकी थी, मैंने घर से अपनी दोस्तों के साथ कुछ शेयर करूँ, ये कुकिंग हो रही है मेरे पास, चलो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी सिखाती हूँ। और यहाँ मैं आपको बताना भूल गई थी, जब इसमें प्याज और मसाले रख दिए थे साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है, जिसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से इसमें गल चुकी है, कोई टमाटर नहीं दिख रहा, कोई प्याज नहीं दिख रहा, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है जैसे जो बनाते हैं उसमें लोग प्याज को पहले डाउन करते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं चुनौती स्टाइल का कुन्ना, तो इसके अंदर हम
कच्चा ही प्याज डालते हैं मसाला और गोश्त और लहसुन अदरक को भूनने के बाद। देखिए सारा सब कुछ प्याज दिया, सब अच्छे से क्रश हो गया। अब इसको मैं मजीद और पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। देखते हैं बकरा ईद हो और चूल्हे ना जले, ऐसे कह सकते हैं। जब हम छोटे थे हमारी अम्माई किचन में बिजी रहती थी तो हम कहते हैं यार कैसी ईद, ये अम्माई किचन में बिजी रहती। अब पता लगा है कि हम भी अम्माओं की जगह पे आते जा रहे हैं, उस जगह पे खाने में बच के ये अम्माओं की बाकी किचन में बिगड़ती है। अब इसमें मैं ये देखें मेरा ये गोश्त तकरीबन 70-80% रह चुका है, इसमें मैं अब 3 बड़े टेबल स्पून दही के शामिल कर दूँगी इसी स्टेज में। इसको हम तेज़ आग पे पकाएंगे। तेज़ आग पे पकाने से ये होता है कि जो दही के दाने हैं वो दानेदार दही जैसा नहीं है इसमें, बस उसको तेज़ आग पे पकाते हैं। और दही इसमें ज़्यादा डालना नहीं है क्योंकि हम इसको खट्टा तो करना नहीं, ठीक है। तो ये देखें अभी अपना आराम से पकता जाएगा। देखें कितना अच्छा सा ऑयल हमारा बाहर आ गया है और जना गोश्त मेरा बहुत अच्छा गल चुका है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। अब जनाब इस स्टेज पे इसमें मैं थोड़ा सा फ्राइड ग्रीन शामिल कर दूँगी और इसको फिर हम थोड़ी देर पकने लेंगे 5 मिनट, फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसका हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। इसमें सादी हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, ये देखें जनाब हमारा जो चनियौती कुल्ला है वो रेडी हो चुका है तकरीबन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तकरीबन 1 ग्लास भर के। जब जैसे ही हमारे इस पानी में जोश आएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें इसके साथ क्या करूँगी। थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें पानी हम 1/2 ग्लास और ऐड करेंगे क्योंकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है, मतलब शोरबा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ग्रेवी। 1/2 ग्लास में पानी और जाएगा क्योंकि इसने जोश भी आना है, पानी बॉयल होगा। देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है इसका। 1.5 टेबल स्पून आटा है, इसको मैं पानी में अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, किसी गुठलियाँ ना बने बिल्कुल। जैसे ही हमारा जो उसका है चनौती कुरने का जो शोरबा है वो बॉयलना शुरू होगा हम उसके अंदर इसको डाल देंगे और इसको पकाएंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। चलिए वेट करते हैं अपना। देखिए गोश्त हमारा जो है अच्छे पानी, अब इसमें मैं आराम नाम से जो आटा मिलाया हुआ था इसको ऐड करती जाऊंगी। देखिए जैसे मैंने आटा डाला ये ठीक होना शुरू हो गया। अब हम इसको आराम से पकने देंगे। ठीक है 10 से 15 मिनट ये पकेगा, जब इसका ऑयल आ जाएगा बाहर तो ये रेडी हो जाएगा। तो जनाब हमारा मजे का चनौती स्टाइल मटन कुन्ना रेडी है। इसको मैं डिश में सर्व करूंगी, इसके ऊपर हम हरा धनिया हरी मिर्चें डालेंगे और ये देखिए कितने मज़े से ही रेडी हो चुका है। इस इतना मज़े का टेस्ट है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी से मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।